सुला ले इसको, सुलाने ले, अभी तो बर्फ चला हुआ है। वेरी गुड, बर्फा दे भी दिया लड़की ने हमारी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह से पता नहीं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं शुरू करूँ लेके प्रभु का नाम, पर आज वेदा ने कहा है कि नहीं मम्मी, आज करोगे तुम सिर्फ मेरा काम, है ना, कोई बात नहीं। तो आज है एक और नए खूबसूरत दिन की शुरुआत, और आज हमारी वेदा रानी हो चुकी है 42 डेज की। आई नो एक एक दिन बताती रहती है, बट मेरे लिए तो अचीवमेंट ही है ये। तो अभी फिलहाल इसको मैं सुला लेती हूँ, उसके बाद आज आई नो हम हमेशा कहते हैं कि आपको अगले ब्लॉग में रेसिपी दिखाएंगे, तो इस वाले ब्लॉग में आपको फॉर श्योर हम आज क्या बना रहा हूँ मैं, वो तो तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या बना रहे हो, मतलब जो भी होगा आज आप लोगों के साथ अवश्य शेयर किया जाएगा। और करते अपने दिन की शुरुआत, मिलेंगे आप लोगों को थोड़ी देर में। क्या बात हुई, आज तुम फिर से लग गए बिना कुछ बताए। मैंने कहा था ना कि आज तुम्हें बताना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। ये क्या है फिर? ये तो बस दूध ही। मुझे लगा आज मैं फिर से लेट पहुंची, तब तक हो गया सारा प्रोसेस खत्म। तो दूध का क्या कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ फिर नहीं बनाता हूँ आज। ओह माय गॉड, यहाँ पे कहीं अच्छी फिर नहीं बनती ना। हो तो आपने अपने जिम्मे ले लिया ये काम भी, मेरे को करना पड़ेगा और क्या। अच्छा तो फिर इसमें क्या क्या डाला तुमने अभी? दूध है इसमें तो सिर्फ, और कुछ नहीं है अभी इसमें, दूध ही है बस। ओके और क्या क्या डाल रहे हो फिर तुम? ये चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रखे हैं। ओके ठीक है, इनको मतलब वैसे तो एक घंटे के लिए भी भिगो सकते हो। कितनी देर से भिगो के रखे तुमने? मेरे थोड़ा टाइम हो गया, 2 घंटे। ओके फिर? और फिर अब 1 लीटर दूध में 4 से 5 चम्मच चावल होने चाहिए। ओके बस। हाँ और इनको पानी डाल के ग्राइंड करना पड़ेगा अभी। ओके और जब वो ग्राइंड हो जाएगा तो उसमें 1 कप दूध डालना है, उस 1 लीटर में से ठंडा 1 कप मिक्स करके और उसको साइड में रख देंगे। ओके राइट। और ये वाला दूध यहाँ पे तो इतना अच्छा दूध नहीं होता है, इंडिया में तो मतलब वैसे होता है ना गाढ़ा दूध। हाँ ये मैं कढ़ा रहा हूँ, ये गरम कर लो, जब ये एक बार बॉईल हो जाएगा तो फिर वो मिक्सचर उसमें डालना है, चावलों का दूध का मिक्सचर। ओके इस वाले दूध में डालना है, कढ़ाना है ठीक है, जितनी भी देर आपको कढ़ाना है। और शुगर का रेशियो होगा चावलों से डबल, यानी कि 8 से 10 चम्मच। केसर है, केसर डाल लो जो कि हमारे पास नहीं है, गिर गई सारी। किसने गिराई थी? मैंने गिराई। और दी किसने थी मुझे? मेरी प्यारी सासू माम ने। और तुमने दे धड़ाधड़ गिराई हो फ्रिज में? गिर गई वो मेरे से। ओके तो कड़ा आपका दूध सर जी? दूध मेरा कट गया है, मैंने ये भी ग्राइंड करके रख दी है। ओके ये इसमें क्या है? अच्छा ये तुम्हारे दूध और चावल। हाँ इसमें पहले मैंने चावल ग्राइंड किए, ये देखो दिख भी रहा होगा अगर, ये देखो तभी इतने वो पतले पतले से दाने आते हैं। हाँ जी कोको, हाँ जी आपको भी लोगों ने काफी मिस किया, हमें कहा गया कि कोको को भी दिखाया करो। फिर नहीं इसको भी मिल रही है, सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए। ये है ना चावल। ओके ठीक है, इसको ग्राइंड करके इस बना के और फिर मैंने इसमें ये देखो ये चावल। अभी कब डाल रहे हो तुम? अभी मैं तो कढ़ाऊंगा। और ये तो मीठा हो गया, सेवरी में क्या है? सेवरी में भिंडी तो तुम बना रही थी आज। ओह भूल गई, नहीं बनेगी, अब बहुत लेट हो गए। तो फिर तो भाई क्या ही बचा है, जो तो चावल का मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया था और शुगर डाल दी थी, अभी बन गई है। ठंडी जितनी होती रहेगी उतनी ये स्ट्रांग होती रहेगी, मतलब गाढ़ी होती रहेगी। और यहाँ मैंने पिस्ताशियो काट के रखे हैं, ये जिसने डालने हैं अपनी बोल में डाल ली। गुड मॉर्निंग, आज है एक और खूबसूरत दिन, तो अपने खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए बने हैं जीरा आलू, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार पहले डाली है, इसीलिए मैंने इस ब्लॉग में नहीं डाली है। बट अभी हम अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं, अगर ये जो डियो है उठ जाए तो हम जा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। रोटियां भी बन के तैयार हो चुकी है, सब्जी भी तैयार है, बस अब हमने खाना है क्योंकि आज हमारे दिन में थोड़े बाहर कुछ काम है। अगर वेदा रानी हमें परमिशन देगी तो हम वो काम, हाँ जी बेटे, करके आएंगे। फाइनली अब जाके थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिला है, आज हमारा पूरा दिन साफ सफाई और एडजस्टिंग में चला गया। और अब हमारे पास दुनिया भर के कपड़े धोने के लिए, और नीचे बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हुआ है, तो अब मैं जाती हूँ वो गार्बेज फेंक के आती हूँ। कल भी हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कल त्यागी जी के फ्रेंड्स आए हुए थे, और आज हमारा पूरा दिन सफाई में चला गया है। बस अब गार्बेज करके आती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे हम अपने डिनर के लिए क्या करने वाले हैं। वैसे हमने ग्रोसरीज करने के लिए भी जाना था, अब देखते कैसे होगा क्योंकि वेदा सो रही है और सो नहीं भी रही है, तो आज उसके साथ भी काफ़ी हमारा वो रहा पजल सॉल्व करने के लिए। बट अभी फिलहाल वो त्यागी जी के पास है, तो मैं फटाफट से गार्बेज करके आ जाती हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन कहीं नहीं निकली हूँ। पूरा दिन क्या, जब से नैना और रजत गए मैं कहीं पर भी बाहर नहीं गई हूँ। आज बहुत मन था कि हम बाहर जाएं, मौसम भी थोड़ा ठीक सा था, पर सफाई नहीं हमारी ख़त्म हुई, और अब वेदा भी सुनाई दे रही होगी मुझे लगता है,
वो भी शायद उठ रही है, तो चलो मैं फटाफट से नीचे जाती पहले। वाओ, पहली बार मेल बॉक्स खाली मिला है मुझे। गार्बेज तो मैंने फेंक दिया, पर उसमें से शायद एक गार्बेज लीक कर रहा था और पूरे घर से लेकर अब रास्ते में सारी जगह, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, जो तेल जैसा दिख रहा है वो मेरे गार्बेज से था, पूरे उसमें ट्रेल बन गया है और सीढ़ियों पे भी है, अब वो साफ करना पड़ेगा। मतलब आज का सफाई अभियान मेरा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला मुझे लगता है। बस अब जाती हूँ सीढ़ियाँ साफ करती हूँ और अंदर से थोड़ा पैच रह गया वो साफ करती हूँ। पूरा ट्रेल बनाया मैंने जाते हुए, थोड़ा सा भारी था इसलिए मैंने ऊपर नहीं उठाया, पर ये देखो अब पूरा साफ करने के लिए फिर से। मैं अभी बाहर से गार्बेज करके आई, सारे उसमें तेल ही तेल करके आई हूँ मैं। ये क्या कोको तुम्हें सपोर्ट दे रही है? कोको तुम्हें सपोर्ट दे रही है पीछे? कोको भी बेचारी जब चिल्लाती है ना तो कोको देखती है क्या हो रहा है। सारे उसमें अब तेल ही तेल हो गए। अब वैसे मैंने साफ तो कर दिया यहाँ नीचे, बाकी अब देखो जैसी प्रभु इच्छा होगी। अच्छा हाँ, ये सोई नहीं अभी तक, नींद आ रही है इसको, तभी तो चिल्ला रही है। अच्छा, पर ये सो नहीं रही है। ठीक सो गई लग रहा है मेरे पे, सो गई है, सो गई है, सो गई, बस सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ मेरे बेटे, सो गई। वो सो जाएगी ये, इसका पता नहीं। कोको, ए मेरी चुंदरी, क्या कर रही है तू यहां पे? बेइज्जती नहीं करानी सब, क्या कर रही है बेटी बता। सब के सामने बेइज्जती नहीं करानी, जल्दी सो जा। सो गई, सो गई, सो गई। वाह, बड़ी जल्दी सुन ली इसने तुम्हारी, देख ली। क्या आईज क्लोज कर ली? आज डिनर का क्या क्या ख्याल है फिर? डिनर मेरे को ही ख्याल आता है उस डिनर का, तो मैं, मुझे ख्याल आया, मैं पूछ रही हूँ। मन तो मेरा कर रहा कुछ अच्छा सा खाने का। कल पता क्या हुआ? बता, सुनते हम यहाँ बैठ के। मैंने बाहर गया अपने दोस्तों के साथ खाना खाने, गलती से मैंने उनको बोल दिया, फोन पे ऑर्डर किया था मैंने पहले की तो उन्होंने डाली नहीं थी। मैंने उनको बोल दिया कि ना थोड़ा सा स्पाइसी बना देना, थोड़ा कर दिया उन्होंने तो काम खराब हुआ, स्पाइसी बना देना। अब तुझे बता, मैं तो स्पाइसी खाता नहीं हूँ भाई। उन्होंने क्या स्पाइसी बनाया, हमारे तो सबकी चीख निकल गई। हम तो छोड़ ही आया, मतलब वैसे तो ले आया पर खा ही नहीं गया हमसे। ये आवाज है डायपर चेंज करने की, या बाय हैव फन। कैसे मजा आ रहे फिर डैडी को? मजे ही आ रहे हैं भाई, अब मैं नहीं करूंगा बस। फिर कौन करेगा? खुद सिखा दिया तुमने कैसे करना है खुद? वेदा आ गया तुम्हें? सारे काम अगर मैंने ही कर लिए तो तुमने क्या करने है? हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। अच्छा। हाँ, कोटी कोटि प्रणाम करेंगे प्रभु को। अच्छा, ऐसा जीवन साथी प्राप्त होने के कारण। वाह भी वाह, क्या बात है, मैं भी कर लूंगा वो तो। करो फिर तुम, जो ज्यादा कोटि कोटि प्रणाम करेगा उसका काम कम होएगा। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। करो फिर तुम, करो पहले तुम कर ला इस अगर। वेदा, हाँ बताओ तुम्हें किससे अच्छा लगता है साफ सफाई कराना? मम्मी से। डैडी से है ना? कोई नहीं, रो तो नहीं रही? मतलब तुमसे अच्छा लग रहा है इसे काम करवाना? वाह, क्या बात है। बस बातें क्या है, बातें वखरी है, वखरी यानी बातें। इसके डायपर भी खरीदने, और आई एम अ सिंगर टू यार, थैंक यू। कब नहीं खरीदने होते डायपर इसके, ये बता दे। जब होते उस टाइम, जब होते हैं भरी पड़े हैं, भरे नहीं है इनमें। अब वो है वन मंथ के, मतलब हाँ, वन मंथ की सारी, तो जब अभी हुई भी नहीं है। हाँ, जितने की उतने के भी है इसके पास, वन साइज अप है। वन डायपर नहीं खरीदने जब तक खत्म नहीं होते। वो बहुत बड़े हैं इसलिए मैंने ट्राई करे थे, छोटे भी हैं इसके पास, छोटे खत्म हो रहे हैं ना, लेकिन अब 5-6 बचे हो सिर्फ। 5-6 या तो, और 5-6 बचने दे रहे हो? नहीं या कभी भी ना, बट ऐसा है। ओ, उससे ध्यान आया कि मेरा एक पार्सल आया था नीचे, चलो इसके बाद अभी नीचे जाके मैं पार्सल देखूंगी। ऐसे तो डिनर बनाने की बारी आज मेरी थी, पर वेदा फिर से उठ गई तो मैं इसके साथ थोड़ी सी बिजी हो गई, और आज हम दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे तो मैं नहीं चाहती थी आज त्यागी जी कुछ खाने के लिए बनाए। तो अभी मैंने बाहर से ऑर्डर किया कुछ हाका फूड, वो भी बस पहुंचने वाला है, नीचे जाके दिखाती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया आज खाने के लिए। और अभी ये सो रही है, आई होप तब तक खाना डिलीवर हो जाए ताकि हम एटलीस्ट एक मील तो साथ में खा सके। मुझे नोटिफिकेशन भी आ गई है, शायद खाना आ गया, मैं नीचे जाके चेक करके आती हूँ। खाना आ गया। नहीं आया? क्यों हंस रहे हो तुम? हंसना पड़ेगा, आ ही जाएगा।
क्या क्या रखती है, कहाँ कहाँ रखती है, पता ही किसी को। अब ये क्या है? ये मैंने मंगाया है अपने और वेदा की कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि जैसे बार बार रोती रहती है तो मैं हाथ में भी नहीं रख सकती। तो ओह नाइस, मुझे नहीं लगा सब बैग वैग भी आएगा बाहर से। ये है वो रैप अराउंड सा, या क्या कहते हैं उसको, मेरे को इंग्लिश में तो नाम नहीं पता। बेबी रैप हाँ, काइंड ऑफ बेबी रैप है। नहीं, इसको अभी नहीं खोलूंगी, फिर मैं बाद में खोलूंगी। बस ये कपड़ा है काले रंग का जैसा, तो इसमें आप ऐसे कल मतलब जब भी पहनूंगी इसको पहना के आपको। मैं पहनूंगा पहले, ठीक है? क्यों, मैं अपने लेके आई हूँ, मैं पहनूंगी पहले। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसा है और क्या है इसमें, और अब दोबारा चेक करती क्या पता खाना आ गया हो। बाकी तो मैंने वही है पहले भी जो आपको दिखाए थे, इसके लिए जो हेडबैंड से मैंने ऑर्डर करे थे, तो वो मैंने एक सेट नैन्सी के साथ भेज दिया ईदा और जीवा के लिए, और मैंने अपनी लड़की के लिए फिर से सेम ऑर्डर करे। तो जब हम इंडिया कभी जाएंगे सारी बहन ट्विनिंग करेंगी। यस, और मैं थोड़े इसमें से गाथा को भी दूंगी जो त्यागी जी की बहन की बेटी हुई है। सब लड़कियों के पास सेम सेम होंगे, इसीलिए इतने सारे ऑर्डर किए थे मैंने। Grab your order at the door and don't forget to rate and tip, okay? Ahead of schedule. ठीक है। बार तो पक्का आ गया। आ गया। आओ जी आओ खाना। वाह। इन लोगों ने कंटेनर्स चेंज कर दिए। Obviously याद तो हो ही जाएंगे। रेस्टोरेंट से क्या कंटेनर आता है, रोहिणी को सब कुछ याद है। आई नो, वैसे काफी टाइम हो गया, तो खोलो इसे फटाफट, मैं दिखाना चाहती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया। हाँ, तुझे भी खाना मिलेगा, हम नहीं खाएंगे ऐसे तेरे को दिए। आई नो, इसीलिए आज सोच रही इसको दे देती, नहीं तो रोज रोती रहेगी। दे दो वहां से एक अभी। चलो चलो, मेरे पास तो आती नहीं है ये भी। हाँ, नया ब्रांड ट्राई कर रही हूँ, इसको अच्छा लगे। हाँ, अरे इसमें क्या दिखाना, कितना मेरे पास बेचारी पहली लड़की है मेरी, खाना इधर भी है उधर भी है, नीचे इतना बड़ा लीटर ऑर्डर किया इसलिए मैंने। रोने के अलावा कुछ आता तेरे को? रो नहीं रही है, मांग रही है, प्लीज कर रही है इस वक्त। रख दो जल्दी से, तुम भी खाओ जी, खाओ खाना खाओ। चलो अब हम भी खा ले आराम से। नहीं, डब्बे चेंज नहीं किए ये, इन्होंने तुम्हारे बटर चिकन मोमो दिए है ऐसे, और ये मेरे वाले है तंदूरी मोमो, और ये है नूडल्स चाउमिन, और थोड़ी सी डाइट कोक। ये है तंदूरी मोमो, ये है वेज चाउमिन, और ये है बटर चिकन मोमो। तुम्हारे मोमो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे मोमो से, मेरे वाले तो बहुत ही ऐसे लग रहे हैं ड्राई बेचारे, जैसे इनको पानी ना पड़ा। मेरे हैं भी अच्छे अच्छे, पर ये भी अच्छे होंगे, मैंने मतलब पहले भी खा रखे, तो आई एम प्रीटी श्योर दिस वुड बी गुड टू। ओके, मेरे ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कोई नहीं, तुम खाओ, तुम्हें अच्छे लगे ना, मैंने खुद ने बनाए, खाओ। ये आज का डिनर मैंने बनाना था ना, सो एंजॉय। या जिस दिन तुमने बनाना था उस दिन बाहर से ही आता है। मैं इतनी भूख लगी थी कि ना हमने बात करी ना कुछ करी, बस फटाफट खा गए। हैं? अब सोए? खाओ पियो और सो जाओ। मैं तो वॉक करने जा रही हूँ। और रे, कैमरे के पीछे बहुत बड़ी ड्यूटी है। नहीं, मैं वॉक करूंगी यही सोफे के पीछे, एकदम तुम्हारे पीछे। चलो चलो, वॉक तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि वेदा की आंखें खुल चुकी है, विच मीन्स अब मैं इसे घुमा घुमा के सुलाऊंगी, तो मम्मी की भी वॉक हो जाएगी, वेदा की नींद हो जाएगी। बट थैंक यू सो मच, आपने इतना कॉपरेट किया और हमें खाना खाने दिया आज इतने दिनों के बाद एक साथ। मैंने इतना बढ़िया स्पॉट ढूंढा है। हाँ वेदा रानी, हाँ जी सुन लिया मैंने, आप जाग रहे हो। हाँ जी, और ये या कोको इसको देख रही है और साथ में खुद सो भी रही है। हाय मेरी लड़की, कितनी क्यूटली सो रही है। ऐसे लग रहा है अटेंडेंस लगा रही हूँ। प्रेजेंट मैम, फाइनली सोई तो सही, मैं तो इतने में खुश हूँ। ये है थोड़े से लेफ्ट ओवर, मतलब कल की फिरनी जो बच गई थी। वेदा भी अब सो चुकी है, मैं थोड़ी सी फिरनी खाऊंगी, मुझे उसको सुलाते सुलाते खुद नींद आ गई थी, पर फिर मेरा मन कर रहा था मैं कुछ खाऊं, तो मेरा लेट नाइट स्नैक आज के लिए फिरनी होने वाली है। मिलूंगी आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय।